हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न ट्रेंड्स इन बैंकिंग। बैंकिंग में क्या क्या आजकल अलग अलग चीजें चलती आ रही है, मॉडर्न क्या क्या चीजें हो रही है बैंकिंग के अंदर, और क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रही है। ये टॉपिक इंडियन बैंकिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को ढंग से एंड तक देखना है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं इसके। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इस नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न बैंकिंग इंडिया में का मीनिंग क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, मॉडर्न बैंकिंग जो मीनिंग है वो क्या है कि विद द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी द स्कोप ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग वाइडन। मॉडर्न बैंकिंग की वजह से आपको पता है कि आजकल बिजनेस बैंकिंग, बिजनेस जो है बैंकिंग का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कस्टमर को बहुत सारी बैंकिंग फैसिलिटी मिल रही है अपने पर्सनल कंप्यूटर से, पीसी में, मोबाइल से आजकल बैंकिंग हो रही है। सो आफ्टर द अकाउंट इज ओपन, कस्टमर इज गिवन अ लॉगिन आईडी। कस्टमर को लॉगिन आईडी मिल जाती है और नेट बैंकिंग का पासवर्ड मिल जाता है। वहां से कस्टमर कुछ भी ट्रांजेक्शन कर सकता है। कस्टमर कैन चेंज द पासवर्ड इश्यूड, कस्टमर चेंज भी कर सकता है। तो उस तरीके से आजकल ऑनलाइन नेट बैंकिंग ज्यादा चल रही है। ठीक है, सो फॉलोइंग ऑनलाइन सर्विस आर अवेलेबल टू रिटेल कस्टमर एंड कॉरपोरेट कस्टमर। तो ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग में आजकल ये सर्विस चल रही है, जैसे कि वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट बैलेंस। अकाउंट बैलेंस का वेरिफिकेशन कर सकते हो, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। आप अपने स्टेटमेंट को व्यू कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट कर सकते हो, किसी भी थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी है या ट्रांसफर करना है फंड्स। आप चेकबुक की डिमांड भी कर सकते हो, आपके घर तक चेकबुक आप इशू कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट, पेमेंट इंस्ट्रक्शन स्टॉप करनी है अगर आपने कोई, वो भी कर सकते हो। बहुत सारे आपने, अब तो ऐप आ गई है ना, ऐप से आप कोई भी पेमेंट स्टॉप करनी है, अकाउंट समरी देखनी है, मिनी स्टेटमेंट निकालनी है, जो कि पहले हर जगह जाना पड़ता था बारे में, अब नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, यूटिलिटी बिल्स पेमेंट कर सकते हो, यूटिलिटी बिल्स की। तो ये सब चीजें आजकल ऑनलाइन सर्विस आपको मिलती है बैंकिंग में। तो ई बैंकिंग देखो क्या होता है। ई बैंकिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी कि वर्चुअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। तो ई बैंकिंग इज अ ग्रोइंग एक्सपेक्टेशन ऑफ बैंक कस्टमर। आजकल बैंक कस्टमर की सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन ई बैंकिंग में क्या होता है, सारे बैंक कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं। एक अकाउंट होल्डर डिपॉजिट भी कर सकता है पैसा, ट्रांसफर भी कर सकता है ऑनलाइन ट्रेडिंग से। सो देर इज नॉट नीड टू गो टू बैंक टू डिपॉजिट द मनी और विदड्रॉ द मनी। सबसे बड़ी बात यह है। सो पर्सन कैन ट्रांसफर इस फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, किसी भी अकाउंट बना सकते हो। सो ई बैंकिंग की वजह से ट्रांजेक्शन मच फास्टर हो रही है। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शनल एंड नॉन ट्रांजेक्शनल एप्लीकेशन। अब हम समझने वाले क्या क्या ट्रांजेक्शनल एप्लीकेशन है और नॉन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शनल ये है कि आप किसी बिल पेमेंट करनी थर्ड पार्टी का कर पकड़ोगे आप, ठीक है, ऑनलाइन की वजह से। ट्रांसफर करना है कोई फंड किसी कस्टमर, ट्रांजेक्शनल सेविंग अकाउंट से किसी और को ट्रांसफर करना है, कर सकते हो। परचेज करना है, इन्वेस्टमेंट सेल करनी है, कर सकते हो। एप्लीकेशन एंड ट्रांजेक्शंस फॉर लोन, कोई अगर लोन की पेमेंट करनी है वो भी कर सकते हो। नॉन ट्रांजेक्शन देखे तो आप क्या कर सकते हो कि भाई ई बैंकिंग से आप अपनी वही चीज बैंक की पेमेंट डाउनलोड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि मैंने रिसेंट ट्रांजेक्शन कौन कौन सी करी है। भाई आप जैसे कि कोटेक महिंद्रा की एप्लीकेशन आती है, हर एक SBI की एप्लीकेशन है, तो वहां पर जाओ आपको दिख जाएगा आपने ट्रांजेक्शन कौन सी करी है, आपने रिसेंट ट्रांजेक्शन क्या है, आपका चेक कौन कौन से पे करे है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ट्रांजेक्शनल अप्रूवल प्रोसेस क्या है, आप अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, ई पासबुक आ जाती है आपके ईमेल पे। बहुत सारी चीजें हो रही है आजकल। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, अब देखो अब समझने वाले अगला। अब हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम समझेंगे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है। तो इधर ये क्या है, फाइनेंशियल एक्सचेंज है दैट टेक प्लेस बिटवीन ऑनलाइन, बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर और सेलर के बीच में होता है। सो द कंटेंट ऑफ दिस एक्सचेंज इज यूजली सेम, डिजिटल जैसे किया होता है वैसे ही कंटेंट बिल्कुल सेम होता है। बेनिफिट क्या आपको मिलते हैं भाई इसमें ऑनलाइन में, और ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में बहुत स्पीड ज्यादा है, कन्वीनियंस है कस्टमर के लिए, कहीं जाना नहीं है, एफिशिएंसी है बहुत जल्दी, कॉस्ट सेविंग हो रहा है, रिड्यूस कॉस्ट, एफिशिएंसी है, जल्दी हो जाता है काम, बहुत अच्छे से हो रहा है, सबसे बढ़िया बात यह है। तो अब हम समझने वाले क्या क्या है। देखो पहला है टेलर मशीन।
ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसे बोलते हैं एटीएम, जो आप हमेशा आप इस्तेमाल करने का करते होंगे। एटीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके थ्रू कस्टमर अपने पैसे को डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, वैसे तो ये डिपॉजिट मशीन नहीं है, ये विड्रॉ वाली होती है, लेकिन एटीएम में डिपॉजिट भी हो सकते हैं। बहुत सारी बैंक एटीएम वाले ऐसे करते हैं जिसमें डिपॉजिट भी हो जाते हैं। सो एटीएम को यूज करके आप, एटीएम कार्ड होना चाहिए आपके पास, वहां से आप अपने आप पैसे को विड्रॉ करवा सकते हो। सो इट कैन इजिली रीड बाय द मशीन। ठीक है, टू ऑपरेट एन एटीएम कार्ड द कस्टमर हैज इंसर्ट अ कार्ड, वही आपको सब कुछ पता है ये बात, आपको लिखना है वो इसके अंदर बना के कि एटीएम कार्ड आपको इंसर्ट करना होता है, पासवर्ड डालना, पिन डालना पड़ेगा अपना, वो आइडेंटिफिकेशन करेगा, फिर आप अपनी अमाउंट डालोगे, कितना विड्रॉ करना है आप कर लो, सिंपल। ठीक है, एटीएम प्रोवाइड 24 घंटे सर्विस, आपको पता 24 घंटे सर्विस कन्वीनियंस होता है आपके लिए, कहीं भी आप विड्रॉ एनी वेयर कहीं भी कर सकते हो, चाहे किसी भी कंट्री में, चाहे एडवांटेज आप ले सकते हो वही सारे कि 24 घंटे सर्विस मिलती है, बैंक कस्टमर के लिए कन्वीनियंस है सारे, वही आप कुछ बना के आसानी से ले सकते हो उसको, बेनिफिशियल है किसी ट्रेवलर के लिए। बैंक स्टाफ का वर्कलोड कम हो जाता है, सबसे बड़ी बात है, बैंक स्टाफ को वरना लाइन लग जाएगी, अगर एटीएम ना हो तो भैया लोग सारे बैंक जाएंगे, और बैंक जाएंगे तो भैया बैंक स्टाफ का वर्कलोड बढ़ जाएगा, लाइन लग जाएगी वहां तो। ठीक है, प्राइवेसी रहती है बैंकिंग ट्रांजेक्शन में, सबसे बड़ी बात यह है, कोई किसी को देख नहीं रहा, अपना पिन डाल के निकाल रहे हो, कस्टमर का टाइम ही बचता है, बैंक जाना ही नहीं है, बैंक जाना नहीं है ना। फैसिलिटी देखो क्या मिलती है, सिर्फ विड्रॉ नहीं मिलता, कैश विड्रॉ तो एक छोटा सा पार्ट है, कैश डिपॉजिट भी होता है, साथ ही साथ अपनी स्टेटमेंट आप रिक्वेस्ट करवा सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हो आप। ठीक है, बिल पेमेंट भी कर सकते हो, फंड भी ट्रांसफर कर सकते हो, इससे चेकबुक की रिक्वेस्ट कर सकते हो, पिन भी चेंज कर सकते हो भैया आप, बहुत सारी चीजें कर सकते हो एक साथ। ठीक है, बैलेंस इंक्वायरी वही चीज मैंने कुछ ऐसे बताया। उसके बाद होता है ब्रांच टेलर मशीन भी होती है, एक बीटीएम जिसे बोलते हैं, ब्रांच टेलर मशीन एटीएम जैसा ही होता है, बट मेन डिफरेंस क्या होता है कि एटीएम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कस्टमर को, जैसे कैश विड्रॉल डिपॉजिट, बट बीटीएम आपको फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करता है, बीटीएम प्रोवाइड द फैसिलिटी लाइक ऑल बैंक ब्रांच फैसिलिटीज टू द कस्टमर। ब्रांच फैसिलिटी जो भी एक ब्रांच बैंक की ब्रांच फैसिलिटी होती है, तभी तो ब्रांच टेलर मशीन है इसका नाम, बैंक की ब्रांच की फैसिलिटी जो होती है वो सारी प्रोवाइड करता है। क्या क्या फैसिलिटी है देखो, फैसिलिटी ये है इसकी, वही कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉ वाला, कोई अगर आपने बैंक पासबुक प्रिंट करनी है वो भी आप करवा सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा एक पंजाब नेशनल बैंक भी है, वो उसकी ऐसी मशीन आती है बहुत सारी, आप पासबुक प्रिंट करवा सकते हो, जो जो ट्रांजेक्शन हुई इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हो, चेक इश्यू कर पाओगे, बैलेंस इंक्वायरी बिल्कुल सेम टू सेम है ब्रांच फैसिलिटी की, ब्रांच वाले क्या देते हैं वो ब्रांच टेलर मशीन कहते हैं, बस फैसिलिटी लगभग सेम ही उसकी भी। फिर रहते हैं टेलीफोन बैंकिंग टेली बैंकिंग जिसे बोलते हैं, ये एक बैंक सर्विस है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, अलाउइंग इट्स कस्टमर टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसे बोलते हैं टेलीफोन बैंकिंग, ये टेलीफोन के ऊपर होता है। इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज एक्सक्लूसिवली ओवर टेलीफोन आर कॉल्ड फोन बैंक, जो इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है उसे फोन बैंक बोलते हैं। ये स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो कि मॉडर्नाइज कर दी है कस्टमर को, कि बैंकिंग की ट्रांजेक्शन को सिर्फ टेलीफोन के थ्रू आप करवा सकते हो। बेनिफिट यही होता है कि इसमें ऑटोमेटेड फोन आपको आता है, आंसरिंग सिस्टम होता है, जैसे कि आपको बताएगा कि 1 प्रेस करो तो ये विड्रॉ आपका ट्रांसफर हो जाएगा, 2 प्रेस करो फलाना हो जाएगा, 3 प्रेस करो फलाना हो जाएगा, तो फोन आंसरिंग ऑटोमेटेड फोन आंसरिंग सिस्टम है, वैसे में फोन कीपैड रिस्पॉन्स आपका होना चाहिए, कीपैड आपको चलाना है बस, और कुछ नहीं करना। वॉइस रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी भी होती है कि आप बोल दो वो कहेगा कि आप अपना मैसेज छोड़ दो, जैसा होता है ना अगर आप कस्टमर केयर को फोन करते हो वैसे ही। फीचर क्या है कि अकाउंट बैलेंस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको बड़ा आसानी से, आजकल तो यही चल रहा है ना भैया आपके, वरना स्टाफ को रखना पड़ता है, अब तो ऑनलाइन मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक कॉल आएगी, आप वहां से इंक्वायरी करवा सकते हो कि आपका बैंकिंग आपका बैलेंस कितना है, ट्रांजेक्शन कौन सी हुई मेरी लेटेस्ट, ठीक है, बिल पेमेंट क्या करा, चेकबुक ऑर्डर कौन सी करी, कब आपने लोन आपका एप्लीकेशन करी, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ये आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, करा भी होगा, कि फोन आता है फोन पे आप वो बता देगा, फोन पे पीछे आवाज आती रहेगी आपको कह रहे, वो कहेगी मान लो कि आप 1 दबाओ अगर आपको मान लो बैलेंस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसे ऐसे होता है इसमें। फिर आता है मोबाइल बैंकिंग जो सबसे ज्यादा यूज होती है आजकल के जमाने में, मोबाइल बैंकिंग ऐसा सिस्टम है कि फाइनेंशियल जो आपका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आप मोबाइल डिवाइस के थ्रू कर सकते हो, मोबाइल फोन के थ्रू, उसे बोला गया मोबाइल बैंकिंग।
फैसिलिटी वही है कि बैलेंस चेक कर सकोगे, अकाउंट डिटेल, पेमेंट, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन, अदर ट्रांजेक्शन। इसमें आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या है कि बैंक आर नाउ प्रोवाइडिंग डेबिट कार्ड टू देयर कस्टमर हैविंग सेविंग और करंट अकाउंट। डेबिट कार्ड से क्या होता है कि आप अपने कुछ भी परचेज कर सकते हो, गुड्स और सर्विस एट डिफरेंट प्लेसेस इंस्टेड ऑफ कैश। अमाउंट पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड इज ऑटोमेटिक डेबिट, कस्टमर के डेबिट अकाउंट से डेबिट हो जाती है, इसलिए डेबिट कार्ड बोलते हैं। डेबिट कार्ड क्यों बोलते हैं कि कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो जाता है, कस्टमर अकाउंट से पैसा कम हो जाता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है भाई, वही ना कि इजी टू ऑब्टेन है, फटाफट से मिल जाता है, बैंक जाओ, कन्वीनियंस है, आसानी से आपको कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं आपको दिक्कत नहीं आती। सेफ्टी है कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें आपका बैंक डेबिट कार्ड लगाने के बाद आपको पिन भी डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, सीवीवी कोड डालना पड़ेगा, तो सीवीवी कोड सबको थोड़ी पता होता है, रेडली एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेड है, हर जगह एक्सेप्ट होता है लगभग। फिर क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को वीजा और मास्टर कार्ड भी बोल सकते हो, जो कि बैंक इशू करता है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड आर यूज टू मेक पेमेंट फॉर परचेज सो दैट कस्टमर डो नॉट हैव टू कैरी कैश, कैश की जरूरत नहीं है, और बैंक उसको सर्टेन पीरियड अलाउ करता है क्रेडिट कार्ड होल्डर को पेमेंट करने के लिए। मान लो कि क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया और आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी है ना, तो भी आप पेमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हो। परचेज मान लो कि 1 लाख का सामान खरीद लिया आपने क्रेडिट कार्ड से, अब बैंक आपको प्रोवाइड करेगा कुछ समय कि आपको 1 महीने में इतनी पेमेंट करनी करनी है क्रेडिट कार्ड से, और उसमें इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है। अगर पेमेंट नहीं मिली आपको ड्यू डेट में, अगर पेमेंट नहीं मिली बैंक को, तो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर देगा आपके ऊपर। ठीक है, एडवांटेज क्या है कि वही कन्वीनियंस है, रिकॉर्ड कीपिंग है ना, आप पता, आप देख सकते हो कि मैंने कितनी ट्रांजेक्शन करी। लो कॉस्ट लोन मिलते हैं इसमें आपको, इंस्टेंट कैश एकदम से आप यूज कर सकते हो कहीं पे भी। परचेज प्रोटेक्शन है आपके पास कि भाई कोई भी ऐसा यूज नहीं कर पाएगा, है ना, आपका पासवर्ड चाहिए, पिन चाहिए, ऐसा थोड़ी कर लेगा कोई भी। फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के सिस्टम क्या क्या बने रहे बैंक में, तो अंडर दिस सिस्टम मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है कि आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो, विच इज विद इन 48 आवर्स, 2 दिन, 2 घंटे के, 2 दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर, ठीक है, 2 दिन के अंदर, विच इंक्लूड्स डिविडेंड ऑन शेयर्स, जैसे डिविडेंड आपका मिलता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, कमीशन, सैलरी, ये सब चीजें कि आप बहुत जल्दी ट्रांसफर कर सकते हो किसी के थ्रू। ठीक है, डायरेक्ट डेट्स विच इंक्लूड टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंस्टॉलमेंट, ये सब ट्रांजेक्शन बहुत जल्दी हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में, किसी को फंड ट्रांसफर बहुत आसानी से हो सकती है। एडवांटेज क्या है, वही है ना, सब कुछ वही, ऑटोमेट पेमेंट हो गई है, इलेक्ट्रॉनिकली आपको अपडेट मिल जाएगा अकाउंट डिटेल के बारे में। रिस्क नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि आप किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। अगर आप किसी को कैश दोगे तो रिस्क वहां पर है, यहाँ तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, टाइम बच रहा है, एक्सपेंसिव नहीं है, कन्वीनियंस, वही सब चीजें पॉइंट है। डिसएडवांटेज क्या है कि रेस्ट्रिक्शन है इसमें, कुछ सारे लोग नहीं कर पाएंगे ना, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, और रिस्क है कि हैक हो सकता है आपका अकाउंट, तो वहां दिक्कत आ जाएगी, मनी ट्रांसफरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो आपको पेमेंट बीच में अटक गई, होता है ना कभी कभी, आपको नेट नहीं चल रहा, नेट स्लो है, और पेमेंट अटक गई, कई बार होता है कि बैंक से पैसे कट जाते हैं और झगड़ा हो जाता है, बैंक से मेरे पैसे कट गए मान लो, और उसके बाद पेमेंट पहुंची नहीं और झगड़ा हो जाएगा, वो कहेगा कि मेरे को पेमेंट नहीं मिली, आप हो गए मेरे पेमेंट कट गए बैंक से अकाउंट से, तो यहाँ दिक्कत आ जाती है। इंटरनेट एक्सेस तो चाहिए चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारे कुछ सिस्टम बने हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जैसे नेफ्ट, नेफ्ट यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये एक नेशन वाइड सिस्टम है जिसको इंडिविजुअल फर्म कंपनी यूज करती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में, किसी भी फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल हैविंग एन अकाउंट विद इन एनी अदर बैंक बैंक ब्रांच, किसी भी बैंक ब्रांच में आपका अकाउंट है, किसी भी एक कंट्री में रहते हो तो वहां पर नेफ्ट यूज कर सकते हो। नेफ्ट ट्रांजेक्शन जो है बैचेस में होती है, मतलब कि सेटलमेंट होती है 6 टाइम्स अ डे, एक दिन में 6 बार सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट का मतलब क्या कि मैंने अपने ट्रांसफर करा, तो ऐसे आप ट्रांसफर 6 बार कर सकते हो दिन में, सिर्फ ड्यूरिंग द वीक डेज की बात करो। और टाइमिंग भी होती है इसकी कि 9:30 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इतने टाइमिंग में ही आप ट्रांसफर कर पाओगे, एंड 3 टाइम ड्यूरिंग सैटरडे, सैटरडे में के टाइम में 3 बार कर पाओगे। और टाइमिंग सैटरडे में क्या रहती है ट्रांसफर करने की, सेटलमेंट करने की बात करूं मैं, सेटलमेंट मतलब आपने ट्रांसफर करा,
तो भैया 9:30 बजे आपके उसके अकाउंट में बैंक पैसा आ जाएगी। आपने ट्रांसफर करा 9:30 के बाद तो 10:30 बजे पैसा आ जाएगी, 10:30 के बाद 12 बजे पैसा आ जाएगा, ये चीज कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो सैटरडे में ये टाइमिंग रहती है सेटलमेंट की, और वीक डेज में ये रहती है। तो एनी ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड आफ्टर गिवन टाइम देयर विल हैव टू वेट, आपको वेट करनी पड़ती है, दिक्कत ये है नेफ्ट में, उसके अकाउंट पैसे पहुंचने में सेटलमेंट टाइम में थोड़ा टाइम लगता है, सेटलमेंट टाइम उसका डिसाइड है ना, तो टाइम लगता है। फिर होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। इसमें क्या होता है कि ट्रांजेक्शन जो टेक्स प्लेस हुई, और रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस पे आपके अकाउंट पैसे आते हैं। मतलब क्या है, सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू वेटिंग पीरियड, ये है सबसे रियल टाइम में हो जाएगा, मतलब जो टाइम में करा उसी टाइम सेटलमेंट, ये है ना सबसे बड़े सिस्टम, कि ट्रांजेक्शन जो आपने प्रोसेड करी उसी टाइम पेमेंट। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन इज सेटल ऑन 1-to-1 बेसिस, विदाउट विदाउट बेंचिंग और मीटिंग विद एनी देन, मतलब आप किसी भी एक 1-to-1 बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो सकती है। जो ट्रांजेक्शन जो सेटलमेंट होगी वो एक के बाद एक होगी, ये नहीं है कि किसी ट्रांजेक्शन का मर्ज हो रही है, किसी ट्रांजेक्शन बंच हो रही है या मीटिंग कर रही है, एक ट्रांजेक्शन हुई तो एक ट्रांजेक्शन पहले सेटल होगी फिर उसके बाद दूसरी होगी, ऐसे करते करते होगी, एक के बाद एक होगी, फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफर सिस्टम है ये। तो टाइमिंग क्या रहती है कि 9 बजे 3 बजे ऑन वीक एंड फ्रॉम 9 बजे to 12 non-bजे ऑन सैटरडे, मतलब कि 9 से 3 बजे तक आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो वीक डेज पे, ठीक है, RTGS का, और इसमें 9 से 12 बजे तक आप कर सकते हो। ये टाइमिंग क्या है रहती है, ये आपका क्या है, ये टाइमिंग है कि आप कब कब कर सकते हो, ठीक है। तो 9 से 3 बजे तक आप इसमें कर सकते हो आपका ट्रांजेक्शन, और एकदम फातवा सेटलमेंट हो जाएगी उसकी। भी स्मार्ट कार्ड आगे बहुत सारा, स्मार्ट कार्ड क्या होता है भैया, एक चिप कार्ड जैसा होता है, प्लास्टिक कार्ड आपको मिलता है जिसमें एक कंप्यूटर इम्बेडेड चिप होती है, या तो मेमोरी होती है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसमें क्या होता है दैट स्टोर्स एंड ट्रांजेक्शन डाटा, डाटा को स्टोर करता है वो। सो डाटा इज यूजली एसोसिएटेड विद कोई भी नंबर से हो सकता है डाटा, वो डाटा को स्टोर कर देता है स्मार्ट कार्ड, और प्रोसेस विद इन द कार्ड चिप, द कार्ड डाटा इज ट्रांजेक्टेड विया अ सेंडर दैट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो स्मार्ट कार्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल। देखो इसमें जो भी लिखा हुआ है आप ध्यान से देखो, इसमें ये चीज लिखी हुई, ये है स्मार्ट कार्ड। तो ये जो बात करें ना माइक्रो प्रोसेसर चिप, ये है वो माइक्रो प्रोसेसर चिप, ये जो चिप होती है इससे आप बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। इसमें मेमोरी चिप है ये एक तरह की, इसमें डाटा स्टोर होता है, ठीक है, और अगर किसी के बंदे के पास जानना है तो आप ये इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगी, और ये ज्यादातर बहुत सारे में यूज हो रहा है, जैसे कि आपका ये जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में ये चिप लगी होगी, वो ये चिप होगी तो वहां से आप डाटा आइडेंटिफाई कर सकते हो। मान लो कि अगर आपका एकदम से मुझे जानना है कि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस में आपका क्या नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस किसका है, ये चिप लगा के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और आपका ये चीज होगी, पासपोर्ट में भी लगा रहता है ये, क्योंकि एकदम से पासपोर्ट किसे आपके बारे में जानकारी चाहिए तो ये चिप से आपकी सारी जानकारी मिल सकती है, ये चिप लगाते ही, ठीक है, मशीन में आपको सारा मिल जाएगा। और वैसे ये और भी आपका ये हो गया आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड जो नए बन रहे हैं उसके अंदर भी लगा रहता है, ठीक है, और आपका पैन कार्ड इसमें भी रहता है। ऐसे ही स्मार्ट कार्ड के ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में भी आता है, ये बस ये माइक्रो ये चिप कार्ड होता है, ये ज्यादा सिक्योर रहता है, इससे पर्सनल इंफॉर्मेशन ज्यादा सिक्योर रहती है और इससे आपका डाटा लीक नहीं होता, ये चिप से आपका बहुत अच्छे से डाटा जो है वो स्टोर रहता है और प्रोसेस कर देते हैं। देखो डाटा इसमें स्टोर रहता है और प्रोसेस हो जाता है, यानी कि आप इसे डाटा से निकाल सकते हैं कि आपके बारे में जानकारी कि ये कार्ड से कार्ड चिप से, तो कार्ड डाटा इज ट्रांजेक्टेड विया सेंडर दैट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कार्ड डाटा जो है वो ट्रांजेक्ट करते हैं सेंडर के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम से, चाहे स्मार्ट कार्ड बनाए, तो ये प्लास्टिक कार्ड होता है, आधार कार्ड प्लास्टिक कार्ड है, ये ज्यादा सिक्योर रहता है, इससे आपकी इंफॉर्मेशन जल्दी निकल जाती है, एकदम से निकल जाएगी, तो अगर आपका डेबिट कार्ड या किसी मिल जाए ये, तो एकदम से आपकी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आपको मिल जाएगी, किसका है, किसका क्या एड्रेस होगा, क्या बंदा है,
सब कुछ 1885 से ये बहुत ज्यादा स्मार्ट कार्ड यूरोप में होता है। ठीक है, एडवांटेज सबसे वो ये कि बहुत सिक्योर है, आपका सिक्योरिटी ज्यादा है इसके अंदर, क्योंकि डेबिट कार्ड आपका सिक्योर इतना नहीं है, हैक जल्दी हो सकता है। ये कि ये वाला ऐसा है कि ये हैक नहीं हो सकता जल्दी से, सिक्योरिटी ज्यादा है इसमें, ऑथेंटिकेशन ज्यादा मांगता है। ठीक है, ऐसे स्मार्ट कार्ड से आपका ऑथेंटिफिकेशन बहुत अच्छी खासी होती है, पिन मांगेगा और बहुत सारी चीजें, इससे क्या ऑथेंटिकेशन हो जाती है, कोई भी बंदा ऐरा गैरा स्मार्ट कार्ड के थ्रू यूज नहीं कर सकता। ये चिप के थ्रू आपका पूरा डाटा स्टोर होता है, तो आपका कोई स्मार्ट कार्ड यूज करना पहले आपको यूज करेंगे तो कोई पिन मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, बहुत सारी चीजें मांग सकता है आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि बंदा जो यूज कर रहा है वो सही भी है कि नहीं है, कोई चोर तो नहीं यूज कर रहा, सेफ सेफ टू ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट भी आप कहीं भी भेजना है तो सेफली भेज सकते हो, खो भी गया तो मिल, ये किसी कोई भी बंदा इसके स्मार्ट ये चिप के थ्रू डाटा निकाल सकता है किसका था ये। और डबल एज ऑन आईडी कार्ड, आईडी कार्ड से डबल है, खाली आईडी कार्ड हो तो उससे आपका ऑथेंटिकेशन इतनी तगड़ी नहीं रहती, आईडी कार्ड के साथ अगर ये चिप लग गई तो ये चिप के साथ आपका हो गया ये सिक्योर, अब ऐरा गैरा कोई नथु गैरा यूज नहीं कर पाएगा। आई होप ये सब चीज अच्छी समझ आएगी, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, तो बाय बाय।